हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और आज का टॉपिक है इम्यूनिटी, जिसमें हम इनेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इम्यूनिटी? सो व्हेन वी एनकाउंटर विथ एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट, सो जब ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया ह्यूमन को एनकाउंटर करता है, तो ह्यूमन इसके अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, एंड दैट कैपेबिलिटी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। आपने देखा होगा कि हम कई बार जो है वो धूल से गुजरते हैं या ऐसी चीजों से जाते हैं, बट एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू फॉल इल, हम हर बार बीमार नहीं पड़ते। द रीजन इज इम्यूनिटी, कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमको इन डिजीज कॉजिंग एजेंट से प्रोटेक्ट करती है, तो उसी कैपेसिटी को, उसी कैपेबिलिटी को इम्यूनिटी कहते हैं। अब जैसे कि डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्ट सिस्टम चाहिए होता है, और कोई और फंक्शन करने के लिए रेस्पिरेटरी के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए होता है, उसी तरीके से इम्यूनिटी के लिए भी आपकी बॉडी में पूरा सिस्टम प्रिपेयर है, जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। बट हैव यू एवर थॉट कि अगर जो ह्यूमन का सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो किसी भी डिजीज कॉजिंग या फॉरेन सब्सटेंस को हटा देता है या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, सो हाउ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी? आपको पता है, देयर आर सेवरल इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन सिस्टम को बहुत हेल्प करते हैं इन अ सेवरल एस्पेक्ट, वो भी ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। तो हाउ दे सर्वाइव, आखिर वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम को तो उसे हटा देना चाहिए। सो द रीजन इज दैट द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेज, मीन्स हैव अ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, दैट कैन रिकॉग्नाइज कि कौन अपना है और कौन बाहर का है। सो सपोज कर लीजिए कि दो बैक्टीरिया हैं, दिस ब्लू वन इज इनसाइड जो बॉडी का है, एंड द ब्लैक वन इज ऑफ आउटसाइड। और अगर ये दोनों इम्यून सिस्टम से एनकाउंटर होते हैं, अंदर वाला तो होगा ही क्योंकि सारी सेल्स अंदर ही है, तो अगर ये इम्यून की सेल्स हैं और इसके पास ये आता है, तो इसको ये जाने देती है एज सच, मींस इससे एनकाउंटर होने के बाद भी इसको कुछ नहीं होगा और ये चुपचाप निकल जाएगी, दैट इज इट इज सेफ। बट अगर ये वाला एनकाउंटर होता है इससे, तो इम्यून सेल इसको मार डालेगी और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो आउटसाइड बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि इनसाइड को वो पहचानता है और उसको फंक्शनल स्टेज में या लाइव कंडीशन में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इम्यूनिटी, तो ये दो टाइप की होती है। वन इज कॉल्ड एज इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी की खास बात क्या होती है? दैट इट इज कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल का मतलब ये सिंस बर्थ होती है, ये बर्थ से ही होती है हमारी बॉडी में, और ये जो है नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का क्या मतलब है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब है बैक्टीरिया आएगा तो भी वो वही सब रिस्पॉन्स करेंगे, फंजाई आएगा तो भी वो इससे रिस्पॉन्स करेंगे, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया आएगा तो भी वही रिस्पॉन्स होगा, एड्स का वायरस आएगा तो भी वही रिस्पॉन्स होगा। दैट मीन्स द रिस्पॉन्स इज नॉन स्पेसिफिक, कोई भी आएगा रिस्पॉन्स सेम ही होगा। नाउ अब कैसे ये इननेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है? सो एक्चुअली दे एक्ट थ्रू बैरियर्स। अब क्या है वो बैरियर्स? वो हमारी बॉडी में डिफरेंट बैरियर्स हैं, जिनसे आइदर जो पैथोजन है उसकी एंट्री ही हमारी बॉडी में रुक जाती है, बंद हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है, और अगर वो गलती से आ भी जाते हैं,
तो उनको हर स्टेप पे रोकने की या मारने की कोशिश रहती है. सो दीज आर फोर बैरियर्स विच एक्ट इन अ इननेट इम्यूनिटी. सो इसमें सबसे पहला जो है दैट इज अ फिजिकल बैरियर. और ये फिजिकल बैरियर क्या होता है, दैट इज अ स्किन. आपको पता है स्किन हमारी इंटैक्ट होती है जो एपिथेलियल लेयर की बनी होती है. ये इसके थ्रू जो है वो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकते. इसके अलावा जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो अंदर होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या यूरोजेनाइटल ट्रैक में, वहाँ पे जो एपिथीलियम होती है उसमें म्यूकस की लेयरिंग होती है, म्यूकस की कोटिंग होती है. और ये म्यूकस की कोटिंग बैक्टीरिया को चिपका लेता है, वहाँ पे होल्ड कर लेता है और बाद में उसको बाहर निकाल देते हैं या किल कर देते हैं. सो दैट एक्ट एज अ बैरियर टू आइदर प्रिवेंट द एंट्री और द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. सेकेंड टाइप का जो बैरियर है दैट इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोलॉजिकल बैरियर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दैट एसिड प्रेजेंट इन योर स्टमक, जो कि जिसका पीएच ऑलमोस्ट 2 होता है, उस पर जनरली बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते. सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ, वो भी ग्रोथ को इनिबिट करता है. एंड द टीयर्स, जो कि बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ग्रोथ को या पैथोजेनिक कम्युनिटी को वो ग्रो नहीं करने देते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ बैरियर इज अ सेलुलर बैरियर. एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो ब्लड में बहुत से ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं और उन जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उनको तुरंत ख़त्म करने की थ्रू फैगोसाइटोसिस कोशिश करते हैं. इसमें जो मेन सेल्स आती हैं वो आती हैं कुछ ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. तो ल्यूकोसाइट्स में जो मेन सेल्स हैं वो है न्यूट्रोफिल्स, जिसमें एक एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट का, तो PMNL न्यूट्रोफिल्स ये है. और लिम्फोसाइट्स में मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं. मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस दोनों एक ही सेल है. मोनोसाइट जब तक ब्लड में रहता है उस इस सेल को मोनोसाइट कहते हैं, लेकिन जैसे ही ब्लड से ये किसी टिश्यू में एंटर कर जाता है दैट मोनोसाइट का नाम बदल जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस. दोनों जो है वो फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को खा लेती हैं या डिस्ट्रॉय कर देती हैं. सो दीज एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर, जो कि ब्लड में जो है वो फ्लो करते रहते हैं. नाउ द लास्ट वन इज अ साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइंस आर एक्चुअली सम प्रोटीन्स कह लीजिए, मैसेंजर्स कह लीजिए, फॉर्म ड्यूरिंग सर्टेन प्रोसेस. इसका एग्जाम्पल है एक एंटरफेरॉन. एंटरफेरॉन क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में एंटरफेरॉन प्रोड्यूस होते हैं. सपोज कर लीजिए ये सेल है, इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पे ये सेल एंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती है और इसको नियर बाई सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. तो इस इंटरफेरॉन से जो नियर बाई सेल्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं उस वायरस के इन्फेक्शन से. सो जब भी कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में आता है तो ये रिस्पॉन्स सबसे पहले होता है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है. दैट मीन्स एसिड ही रहेगा वो स्टमक में, भले ही बैक्टीरिया आए, वायरस आए या कोई भी फंगस आए. बट वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट कि सबसे जो इननेट इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होता है दैट इज वेरी क्विक, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, इसमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है. तो जैसे ही पहला इन्फेक्शन होता है तुरंत ये रिस्पॉन्सेस स्टार्ट हो जाते हैं या ये जो है तुरंत एक्शन करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड एज द नेम सजेस्ट, ये जो है आफ्टर बर्थ डेवलप होती है. दूसरी बात, इट इज हाईली स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होती है. दैट मीन्स इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो डिपेंड करता है कि कौन इन्वेट कर रहा है, कौन अंदर आ रहा है. तो अगर बैक्टीरिया आता है तो उसके अकॉर्डिंग, बैक्टीरिया में भी जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया आता है ऑलमोस्ट उसके स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं. सो दैट इज हाईली स्पेसिफिक. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी इट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक टू हैव मेमोरी. क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है कि सपोज कर लीजिए कि एक बार कोई बैक्टीरिया ए आया था और उसने बॉडी को या इस सेल को इन्फेक्ट किया था,
अब इसके अगेंस्ट जो है वो बॉडी में कुछ इम्यून सेल्स डेवलप हुई थी, ये इम्यून सेल्स। अब अगर दोबारा ये बैक्टीरिया ए अफेक्ट करता है तो हमारी जो सेल्स हैं जिन्होंने काम किया था उनको ऑलरेडी याद है उस ए बैक्टीरिया के बारे में या ए पैथोजन के बारे में, और वो जो सेकेंड टाइप रिएक्शन करेंगे वो बहुत ही क्विक होगा और स्पेसिफिक होगा, क्योंकि उनको पता है कि ये कौन है। तो कोई अर्ली जो है प्रिपरेशंस नहीं करनी होती। सो दैट इज अ प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं मेमोरी की प्रॉपर्टी होती है, ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो किसके थ्रू एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है, तो ये जो है वो लिम्फोसाइट्स के थ्रू काम करती है। मेनली टू टाइप्स की लिम्फोसाइट होती हैं जिनके थ्रू ये काम करती हैं, ये है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होता है, मीन्स ये थ्रू एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स जाता है, दैट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। पहला जिसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है? जब पहली बार कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स देता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स, उसको कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। एंड अगर वही बैक्टीरिया दोबारा अफेक्ट करे, इन्वेड करे, तो जो इम्यून सेल्स रिस्पॉन्स देंगी दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एंड यू नो दैट बिकॉज ऑफ दिस मेमोरी फंक्शन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा वो ज्यादा क्विक होगा, ज्यादा स्पेसिफिक होगा। इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड एंड देर आर सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम अब इस एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज कर लीजिए तो ये एक पैथोजन है जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो जैसे ही ये इन्फेक्ट करेगा जो सबसे पहला चांस होगा कि कोई भी इम्यूनिटी काम करे, उससे पहले ही उसने इतना इन्फेक्शन कर दिया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो गया। इस कंडीशन में इम्यून सिस्टम को काम करने का मौका ही नहीं मिला, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था। लेकिन जनरली क्या होता है कि इननेट इम्यूनिटी सबसे पहले एनकाउंटर करती है किसको? इस पैथोजन को। अब इननेट इम्यूनिटी जो आई जो थ्रू देयर बैरियर जिसके बारे में आपको पता है एक्ट करेगी, तो दो केसेस हैं कि ये एक्ट करके उस जो पैथोजन है उसको किल कर दे तो कंडीशन क्या हो जाएगी? नॉन डिजीज कंडीशन हो जाएगी, यानी कोई बीमारी नहीं होगी, बंदा एकदम अच्छा होगा। लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है कि इननेट इम्यूनिटी काम नहीं कर पाई, वो सफिशिएंट नहीं थी, और उस कंडीशन में नॉन डिजीज वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तब क्या होगा? तब इननेट इम्यूनिटी जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देगा। अब ये कैसे होता है एक्टिवेशन? देखिए इननेट इम्यूनिटी में कुछ सेल्स होती है, फैगोसाइटिक सेल्स हम लोग ने पढ़ा था, सेल बैरियर, वो सेल्स क्या करते हैं इस बैक्टीरिया को एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टी सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब समझ लीजिए हैंड ओवर कर देते हैं। तो नाउ टी सेल हैव अ नॉलेज अबाउट द एंटीजन। एंटीजन मैं किसको कह रही हूं? वो बाहर वाले को, इसको, इसका जो भी कंपोनेंट या जो भी इंफॉर्मेशन है वो अब टी सेल के पास आया है। किसने दिया है? इननेट इम्यूनिटी की सेल ने दे दिया है। अब देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टी सेल्स क्या करेंगी? इन ये दो तरीके का काम कर सकती हैं। एक, ये जो टी सेल है वो एक और सेल है जिसको टी सी सेल कहते हैं या साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, देखिए इसको एक्टिवेट कर देती है, और ये सेल क्या करेगी? ये जो है पैथोजन को किल कर देगी और डिजीज खत्म। ये ढेर सारी सेल्स बनेंगी ऐसी और ये पैथोजन को किल कर देंगे। तो एक कंडीशन ये हो, और इस तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स को कहते हैं टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड
इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंड, ये टी सेल जिसके पास एंटीजन की इंफॉर्मेशन है वो क्या कर सकता है, वो दूसरी टी सेल जो टी एच सेल है, टी एच सेल स्टैंड फॉर टी हेल्पर सेल, ये टी हेल्पर सेल क्या करती है, ये फर्दर जो है वो बी सेल को एक्टिवेट कर देती है, बी सेल्स को, और ये बी सेल जो है फिर एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो यहां पे टी सेल केवल इन्वॉल्व है और यहां पे बी सेल इन्वॉल्व है, तो यहां पे बी सेल इन्वॉल्व है ना, एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको जो है ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, और ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आइदर थ्रू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और थ्रू ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये जो पैथोजन है उसको किल कर देते हैं। टीसी सेल में डायरेक्ट टीसी सेल खा जाती है, जबकि ह्यूमरल रिस्पॉन्स में बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, ये एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया के ऊपर लग जाते हैं और ये फिर किसी फैगोसाइटिक सेल्स के थ्रू फैगोसाइटाइज हो जाते हैं। नाउ व्हाट इज एंटीबॉडी, तो हमने देखा दैट इन अ ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो बी सेल होती है, बी सेल्स, वो टी एच सेल्स के थ्रू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और ये एंटीबॉडी जो है वो ब्लड में सिक्रीट आउट होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली में जो कि ब्लड में सिक्रीट आउट होते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो दे आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड, ऑब्वियसली दो टाइप के पेप्टाइड्स मिलके बने होते हैं, वन जो बड़ी होती है इनको कहते हैं हैवी चेन, जबकि दूसरी जो छोटी होती है दैट इज कॉल्ड एज लाइट चेन। तो ये लाइट चेन पेप्टाइड है जो कम मॉलिक्यूलर वेट की होती है, ये और ये, जबकि ये और ये क्या है, हैवी चेन पेप्टाइड है। ये अब पेप्टाइड है तो ऑब्वियसली अमीनो एसिड की बनी होती है, ये टर्मिनल एन टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल जो है वो कार्बोक्सी टर्मिनल होता है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, ऑब्वियसली यहां यहां भी। अगर इनको और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है एंड इनमें आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ये जो हैवी और लाइट चेन का अपर पोर्शन है उसका हाफ, ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन, ये रीजन, दिस ग्रीन रीजन हैव अ वेरिएबल सीक्वेंस। वेरिएबल सीक्वेंस का मतलब है कि यहां पे जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज होता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल रीजन। तो वेरिएबल रीजन क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, यहीं पे एंटीजन बाइंड करता है, यहीं पे ये किसी भी माइक्रोब से पैथोजन से बाइंड करते हैं, इसलिए इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। जबकि जो रेस्ट पार्ट है ये पूरा और ये, इसको जो है वो कांस्टेंट रीजन कहते हैं। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। तो अगर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो दो पेप्टाइड की बनी होती हैं, हैवी चेन की दो पेप्टाइड और लाइट चेन की दो पेप्टाइड। लेकिन आफ्टर दैट मींस फॉर्मेशन के बाद अगर हम इसको देखें तो दो रीजंस होते हैं उनमें, एक वेरिएबल रीजन एंड सेकेंड वन इज कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन जो है इससे एंटीजन बाइंड होता है। अगर देखें तो फाइव टाइप्स की एंटीबॉडी पाई जाती हैं, IgA, IgG, IgE, IgD एंड IgM, जिसमें कि IgM जो है वो पेंटामर होता है और IgA ये सिक्रीटरी एंटीबॉडी होता है, यानी कि ये सिक्रीट आउट होता है, इसीलिए ह्यूमन के मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में जो है वो IgA पाया जाता है, जबकि प्लेसेंटा के थ्रू जो क्रॉस करती है दैट इज IgG।
सो अगर मैं ओवरव्यू दूं तो ये पैथोजन है, इसने इन्फेक्ट किया, अगर कुछ नहीं हुआ तो डेथ हो जाएगी होस्ट की, वरना इननेट इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी। अगर इननेट इम्यूनिटी एक्टिव है और वो इफेक्टिव है तो नॉन डिजीज स्टेज आ जाएगी। अगर वो इफेक्टिव नहीं हुई तो इननेट इम्यूनिटी फर्दर जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देती है थ्रू सेल्स। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी जो पहला रिस्पॉन्स आता है दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो ऑर्गेनिज्म है वो, या अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा है तो डिजीज नहीं होगी और नॉन डिजीज स्टेज हो जाएगी, लेकिन अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो ये जो है वो डिजीज स्टेज आ जाएगी और पर्सन जो है वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन आइदर नॉन डिजीज हो या ना हो, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है इसमें मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, और ये मेमोरी सेल जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, दैट मीन्स जब फर्दर इन्फेक्शन हुआ सेम ऑर्गेनिज्म का, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स डेवलप होगा और उसमें ये मेमोरी सेल क्विक एंड स्पेसिफिक रिएक्शन करेंगी और वहां पे जो है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा और जो ऑर्गेनिज्म है वो नॉन डिजीज स्टेज में पहुंच जाएगा। दिस सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स, इसी जो प्रिंसिपल है उसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। हम इसके डिटेल को बाद में देखेंगे। दैट इज ऑल अबाउट द इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। थैंक यू सो मच।